सुनेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो मल्टी स्टेज नेटवर्क है। मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होते हैं? ये हमारे पास सिंगल बस की जो सिस्टम, जो हमारे पास सिंगल बस सिस्टम था, उस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें ये भी कोशिश की जाती है कि हमारी जो कॉस्ट है उसको अफोर्डेबल लिमिट के अंदर रखा जाए। क्योंकि जब हम मल्टीपल बस सिस्टम पढ़ते थे तो उसके अंदर क्या होता था, हमें मल्टीपल बसेस लगानी पड़ती थी, और जितने प्रोसेसर होंगे अगर हम उन सब के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान, तो हमें मल्टीपल बसेस बनानी पड़नी थी, और उस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता था। और वहाँ पर फिर बस आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म अप्लाई करना कि कब जो है वो बस आपस में शेयर करी, वो थोड़ा सा जो उनसे वो कॉस्टली हो सकता था। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारे पास मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो बनाया गया। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ पाथ्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं बिटवीन प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या होता था, सिंगल बस में सिंगल एक पाथ होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, सिमल्टेनियस पाथ होंगे प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में। अब जो जनरल मीन है वो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, अब हमारे पास जो मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास स्विचेस की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे एक ये स्टेज है, ठीक है, और एक ये वाली स्टेज है, और एक ये स्टेज है, और ये स्टेजेस आपस में किस तरह से इंटरकनेक्ट होंगी वो हमारे पास इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न बताता है। अब यहाँ पर हमारे पास पैटर्न्स कोई भी हो सकते हैं। हमारे पास जो राउटिंग फंक्शंस होते हैं जैसे कि शफल एक्सचेंज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, क्यूब हो गया, ओमेगा हो गया, बैनियन हो गया, इसमें से कोई भी पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में शफल एक्सचेंज वाला देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास हमने कहा कि कुछ स्विचिंग एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, तो हमने कौन से स्विचिंग एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, टू मल्टीप्लाई टू वाले। टू मल्टीप्लाई टू मतलब कि दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स। क्लियर? अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बता रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हम लोगों ने पाथ बता दी उसने कि ये सोर्स हो और ये डेस्टिनेशन है, हमने इनके दरमियान जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, और इस तरह हमारे पास 110 है, उससे 010 तक इस्टेब्लिश किया जा सकता है, 000 से 101 तक इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने इंटरकनेक्शन नेट पैटर्न जो यूज़ किया है वो कौन सा किया, जस्ट अ शफल ऑपरेशन, नॉट अ शफल एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ शफल ऑपरेशन परफॉर्म हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, अब मीन्स के अंदर अगर हम देखें तो राउटिंग जो है मैसेज की वो क्या होती है, वो हमारे पास क्योंकि हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं किसकी बेस पे, डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पे, इस वजह से यहाँ पर हम कह देते हैं कि सेल्फ राउटिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लॉग टू एन स्टेजेस होती हैं क्योंकि हम यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स इन अ डेस्टिनेशन एड्रेस इज द नेटवर्क, इन द नेटवर्क इज लॉग टू एन, ईच बिट इन द डेस्टिनेशन एड्रेस कैन बी यूज टू राउट द मैसेज थ्रू वन स्टेज। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने ना पढ़ा कि ये देखो हम लोगों के पास क्या होता है, हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं, देखो हमारे पास 8 × 8 का तो मतलब कि हमारे पास 8 प्रोसेसर्स हो सकते हैं। अगर हम 8 को बाइनरी कोड्स में देखें, मतलब कि 0 1 2 3 अगर हम लिखना शुरू करें, तो ये देखो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों ने क्या करना है, हमने इनका बाइनरी कोड लिख देना है। इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेना है, हम लोगों ने यहाँ पर बाइनरी कोड लिख देना है इसका। और ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इधर बाइनरी कोड लिख देना है इसका। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमने इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, जिन्होंने एग्जांपल दी है यहाँ पर। अब लोग देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक बिट है, और हमारे पास एक ये बिट है, और एक हमारे पास ये बिट है। हमारे पास यहाँ पर ये स्टेजेस किस तरह से है, हमारे पास जैसे 101 है ना, तो हमारे पास ये वाली फर्स्ट बिट को, ये वाली मिडल को, और ये वाली जो है ये राइट बिट को जो है वो हैंडल कर रही होगी। क्लियर? अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। अब हमारे पास बताया स्विचिंग एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास इस तरह से होते हैं, हमारे पास दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स, और इनके दरमियान जो है सेटिंग किस तरह से होगी वो डिपेंड करेगी कि हमारी आउटपुट किस तरह की चाहिए। अब देखो हम लोगों ने कहा कि जब 101 है तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में 011 चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या चाहिए कि जब हम 1 इनपुट दें तो हमें 0 आउटपुट मिले, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास ये 0 होती है, ये 1 होती है, और इसी तरह ये 0 होती है और ये 1 होती है, तो हम लोगों ने 1 से 0 पर जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे कनेक्शन बन जाएगा, ये देखो यहाँ से हमारे पास ऐसे कनेक्शन बन गया। अब हमारे पास
इन दो स्टेजेस के दरमियान किस तरह से कनेक्शन होगा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा शफल ऑपरेशन से। शफल के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने, हमारे पास यहाँ पर 100 है ना, इसको मैंने शफल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ये वाली, ठीक है, इसका हम कलर कर लेते हैं पर्पल, ठीक है, हमारे पास जो ये वाली बिट है ना, हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग में मूव करवा देना है, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट मोस्ट बिट को हमने राइट मोस्ट बिट की तरफ ले आना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 0 0 एंड 1, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना 0 0 1 कहाँ लिखा है, 0 0 1 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मूव कर जाना है। तो यहाँ से देखो हमने यहाँ पर कनेक्शन बना दिया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेकंड वाली है वो सेकंड इनपुट को डील कर रही होगी, है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड पे हमें क्या आउटपुट चाहिए, 0 1 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर लेंगे, हम यहाँ से 1 पर जाएंगे। इधर मैं ऐसा करती हूँ आपकी कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसको देख के हम इधर आउटपुट लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम आउटपुट डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए 0 1 और 1, ठीक है। इधर से हमें क्या आउटपुट मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, इधर से आउटपुट 1 मिलनी चाहिए, और इधर से भी हमें आउटपुट 1 मिलनी चाहिए। अब हम लोगों ने इधर तो हम पहुंच गए, यहाँ से हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम यहाँ से सीधा मूव कर जाएंगे। अब हम रो 1 1 पे खड़े हैं, हमारे पास अगेन कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा, तो यहाँ पर हम शफल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम 0 1 1 पर शफल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये 0 जो है ये उठकर लास्ट पर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 1 0 बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 0 1 0 किधर है, ये है, तो यहाँ पर कौन सा है, ये है, ठीक है, हमारे पास इसके अकॉर्डिंग यही बन रहा ना। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से इधर डाउनवर्ड मूव करके एंड देन हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमें कौन सी आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। ये था हमारे पास मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। हम एक और इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक और भी इन्होंने इनपुट्स बताई थी कि अगर हम 0 0 से बात करें तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, हम 0 0 से 1 0 1 पर जा सकते हैं, यही कहा था ना उन्होंने, जो हमारी बुक थी उस पर उन्होंने यही वाला एक बात बताया हुआ था। ये बात जो है हमारे पास इसी तरह से बन रही होगी। अब देखो 0 0 है, हमारे पास 0 0 0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 1 0 1 पर जा रहे हैं। अगर हमें कहा जाए कि 0 0 0 से आप किसी और पर जाओ, लाइक 1 0 0 पर जाओ, तो हम उसका उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न फॉलो। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने हमें ये 3 पाथ बताए हुए थे कि हमारे पास अगर ये चीज़ें हैं तो हम लोगों ने कहाँ पर जाना है, ठीक है, हमारे पास जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ये बन रहे होंगे। अब हमारे पास देखो, जब हमारे पास 0 0 0 से हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, 1 0 1 पर जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 0 पर हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, हमारे पास हमें 1 0 1 चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर अपनी आउटपुट लिख लेंगे, ठीक है, मैं इनके ऊपर लिख रही हूँ, इसमें हमें 1 चाहिए आउटपुट, इसमें हमें 0 आउटपुट चाहिए, और इसमें हमें 1 आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने 0 से कहाँ पर जाना है, हम लोगों ने 1 पर जाना है, ठीक है, हम लोग 1 पर आ गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शफल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस पे, 0 0 1 पर, क्योंकि हम इस वाली लोकेशन पर खड़े हैं ना, तो उस पर क्या था, एड्रेस 0 0 1 था। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर शफल ऑपरेशन परफॉर्म किया, शफल ऑपरेशन जब हमने यहाँ पर परफॉर्म किया तो ये वाली बिट जो है ये उठकर स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा 0 1 0, ठीक है। 0 1 0 कहाँ पर लिखा है, ये नीचे वाला है, तो यहाँ से हमने सेकंड वाले के ये वाला थर्ड एड्रेस था उस पर मूव कर, मतलब 0 1 2 सेकंड वाले एड्रेस पर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इस पर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमें क्या आउटपुट जनरेट करवानी है, यहाँ पर हमें 0 जनरेट करवाना है, तो इस वजह से हम सीधा मूव करके, ठीक है। अब हम यहाँ से सीधा गए हैं, अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग 0 1 0 पर खड़े हैं यहाँ पर। अब हम अगेन दूसरे स्टेज तक जाने के लिए कोई पैटर्न फॉलो करेंगे, कौन सा, शफल का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम 0 1 0 पर शफल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 0 0, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, 1 0 0। और जब हम 1 0 0 जो है उसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब ये देखो यहाँ से 1 0 0 कहाँ पर है, 1 0 0 वाली ये वाला है ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, हम 1 0 0 पर आ गए। अब 1 0 0 पर आए हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ से किस पर जाना है, 1 आउटपुट देनी है हमने यहाँ से, तो हम यहाँ पर 1 आउटपुट देकर इधर आ गए, ठीक है। हमारे पास ना बेसिकली क्या होता है, जब भी हम मल्टी स्टेज बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक
है, यहाँ पर मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग में इनपुट देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेजेस बनाई जाती हैं स्विचेस की, ठीक है। एंड देन हमारे पास मतलब स्विचिंग एलिमेंट्स होंगे, और फिर हमारे पास जो आउटपुट है ना वो इन स्विचिंग एलिमेंट से गुजरती हुई मेमोरी तक पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगी और यहाँ से हमारे पास इनपुट आएगी। इनके दरमियान हमारे पास हमें ये नहीं कह सकते कि हम इनके दरमियान में अपनी मेमोरी तक पहुँचेंगे, नहीं, हमें वो ये स्टेजेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी अपनी मेमोरी तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ये था हमारा मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ये इजी था और इसके अंदर आई डोंट थिंक से मैंने कोई पार्ट स्किप किया है, ठीक है। इसके दफा पढ़ लेना। तो अपनी वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।